गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। नाजरीन आदाब, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये शेर वली दकनी का ही है जिन्हें वली गुजराती के तौर पर भी जाना जाता है। नाजरीन, वली को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है। ये बात तारीखी नुक्ताए नज़र से तो दुरुस्त नहीं कि उनको उर्दू का पहला शायर माना जाए, मगर इस नुक्ता नज़र से ये ख्याल सही है कि वो दक्कन के सबसे बड़े शायर थे और उन्हीं के चरागे फन से शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की शमा रोशन हुई। वली का नाम वली मोहम्मद था। इल्म दानिश हासिल करने का शौक उन्हें अपने मौलिद अहमदाबाद से निकालकर औरंगाबाद, सूरत और दिल्ली ले गया, जहां उन्होंने आलिमों, सूफियों और शायरों से मिलकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। उन्हें तसव्वुफ से कल्बे लगाव था, इसका अंदाजा उनकी शायरी से लगाया जा सकता है। तसव्वुफ ने उन्हें हुस्न परस्त बना दिया था और सैर व सियाहत ने मसाइल हयात की वाकफियत बहम पहुंचाई थी। जब वो दिल्ली गए तो वहां के मशहूर सूफी और शायर सादुल्ला गुलशन से मिले, जो इससे पहले भी उनके मुर्शिद की हैसियत रखते थे। वली की वफात सन 1707 में अहमदाबाद में हुई। वली दकनी जब शुमाल में आए तो उनसे शुमाल और वली दोनों को फायदा हुआ। वली को शुमाल की जबान का इल्म हुआ तो शुमाल के शोरा को गजल को बेहतर बरतने की जानकारी मिली। वली के पास गजल का आहंग था और उसकी जबान भी। पेशे खिदमत है उनके खास रंगो आहंग में डूबी हुई ये गजल। जोगिए दिल वहाँ का वा
जिसे इश्क का तीर कारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी का तीर कारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे। जैसा कि कहा गया है कि वली उर्दू के पहले अहम शोरा में शुमार होते हैं, उनकी शेर गोई से भी बढ़ के उनके उस असर की अहमियत है जो शुमाली हिंद की उर्दू शायरी और ज़बान की रवायतों को वसी बनाने का ज़रिया बना और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का रोशन बाब शुरू हुआ। इस बाब पर अंदाज़े बयां के अगले एपिसोड में तफसील से गुफ्तगू की जाएगी और एक ख़ास रंग का कलाम भी पेश किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे यानी सरबत जहरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।